काफ़ी मुश्किलों के बाद घर पहुंची पल्लवी। दंगल टीवी के पॉपुलर शो हर बहू की यही कहानी सासू माँ ने मेरी कदर न जानी में आज आप देखेंगे कि अर्णव घूंघट वाली महिला को ढूंढ रहा होता है और तभी शिवा उसे दूसरी तरफ का रास्ता बता देता है। दूसरी ओर शिवा पल्लवी को बबली देवी और पुरुषोत्तम शास्त्री से पहले घर पहुँचने को कहता। वहीं पल्लवी घर के लिए निकल जाती है। वहां शिवा बबली देवी और पुरुषोत्तम शास्त्री को लंबे रास्ते से ले जाता है ताकि वो थोड़ी देर से पहुंचे। वहीं पल्लवी बीच रास्ते में रुक जाती है क्योंकि उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और फिर पल्लवी दौड़कर जाने का निर्णय लेती है, लेकिन रास्ते में उसका चप्पल टूट जाता है और वो गिर जाती है। जहां उसे अर्णव मिलता है जो उसकी मदद कर ही रहा होता है, लेकिन वो लेट होने के कारण वहां से भाग जाती है। जैसे तैसे पल्लवी घर पहुंचती हैं जहां वो देखती है कि बबली देवी और पुरुषोत्तम शास्त्री पहले ही आ चुके हैं। इस पर वो घर की खिड़की से जाने का निर्णय लेती है, लेकिन खिड़कियां सारी बंद होती है। तभी वहां उसे दादी जी दिखती है जो पल्लवी को छत से रस्सी से खींचने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं बबली देवी पल्लवी को बुला रही होती है और उसके कमरे तक आ जाती है। तभी वहाँ पल्लवी साड़ी बदल उसके बाद बबली देवी पल्लवी को नीचे ले जाती है जहाँ पुरुषोत्तम शास्त्री उसके माता पिता की बेइज्जती कर रहे होते हैं। ये देखते पल्लवी पुरुषोत्तम शास्त्री को ऐसा ना करने के लिए कहती है, लेकिन पुरुषोत्तम शास्त्री उसकी बातों को गलत लेता है। वहीं पल्लवी के माता पिता उसे चुप रहने की सीख देते हैं। देखना अब ये होगा कैसे पल्लवी करेगी आगे चुनौतियों का सामना। अपनी राय कमेंट्स में बताएं। तब तक देखते रहें IWM बाज़।